फ्रेंड्स, मैं राम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूँ वीरे की वेडिंग के कलेक्शंस के बारे में। आज मैं दिन में कलेक्शंस नहीं बता पाया क्योंकि उसकी एक वजह थी। मैंने सोचा कि रात को यानी कि इस वक्त अच्छे से कलेक्शंस बताओ और कुछ और चीज़ें बताओ आपको इस फिल्म के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये फिल्म जिस तरह से कलेक्शंस कर रही है, बिल्कुल मैं जो सोच रहा था उसी तरह से कलेक्शन जा रहा है। यानी कि सबसे पहले अगर आपको याद होगा, मैंने कहा था कि ये फिल्म 95 से 100 करोड़ तक जा सकती है। फिर मुझे ये भी ख्याल आया कि नहीं भाई, ये फिल्म वहाँ तक इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि रेस थी, रेस हो रही है और बिल्कुल वैसी होने वाला है। लेकिन ये फिल्म 80 करोड़ तक, मैंने लास्ट टू लास्ट 80 करोड़ तक कहा था, वो क्रॉस होना ही होना है। ये आई थिंक आप अगर ध्यान दोगे तो पुराने वीडियोस में मैंने कहा था। वो मैं क्यों कहा था, चलिए आपको बताता हूं। ये फिल्म ने 70 करोड़ का जो मार्क है वहां तक पहुंच चुकी है और ये फिल्म सेकेंड वीक के सेकेंड वीकेंड खत्म कर चुकी है। और ये फिल्म के सेकेंड वीकेंड अगर आप देखें तो 3.37 करोड़ आठवें दिन, नौवें दिन 4.51 करोड़ और दसवें दिन 4.84 करोड़, टोटल 69.68 करोड़। फर्स्ट वीक 56.96 करोड़, यानी कि 57 करोड़ पहले वीक में, दूसरे वीकेंड में 12.72 करोड़, यानी कि 69 करोड़ के ऊपर ऑलरेडी कलेक्शन हो चुका है। यानी कि आने वाले जो चार दिन रहेंगे जब रेसी नहीं रिलीज होगी तो वहाँ पर आराम से ये फिल्म 80 प्लस करोड़ जा सकती है। यानी कि सर जो लाइफ टाइम कलेक्शन होगा वो 85 करोड़ के आसपास होगा। लेकिन मैं आपको एक दावे से चीज कहता हूं, अगर देश थी इस हफ्ते रिलीज नहीं होती तो ये फिल्म 100 करोड़ तक जाती और मेरी जो बात है वो सच में सच हो जाती। लेकिन हाँ, फिलहाल अगर मैक्स टू मैक ये फिल्म जाएगी मैक्स टू मैक्स तो 90 करोड़ टच कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन हाँ, इस फिल्म को ऑलरेडी हिट घोषित कर दिया गया है, ये देख सकते हैं। और मैंने जिसे कहा था ये फिल्म बहुत अच्छी चलेगी और लोगों को पसंद आएगी, कई लोगों ने कहा कि एडल्ट कंटेंट है, ए रेटिंग फिल्म है, कैसे चलेगी। मैंने आपको कहा था कि भैया चलेगी क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छा था, मुझे लगा था लोगों को पसंद आएगा। लोगों ने मेरे रिव्यूज की भी निंदा की क्योंकि मैंने इस फिल्म को 4 स्टार रेटिंग दी थी और ज्यादा से ज्यादा लोगों ने 3 स्टार या 3.5 स्टार दी थी। मुझे अलग कंटेंट लगा, मुझे लगा कि ये जो मानसिकता है लोगों की वो बिल्कुल चेंज करेगा ये फिल्म, चेंज करेगी ये फिल्म, और बिल्कुल वैसे ही हुआ। लोगों ने क्या क्या नहीं कहा इस फिल्म के बारे में, एक्टर्स के बारे में, स्वरा भास्कर के बारे में, करीना कपूर खान के बारे में, लेकिन एट द एंड क्या हुआ, एट द एंड यही हुआ कि भैया ये फिल्म को हिट स्टेटस मिल गया। यानी कि इससे क्या प्रूफ होता है, मैं आपको बताता हूँ इससे क्या प्रूफ होता है। इससे ये प्रूफ होता है कि ये जो सोशल मीडिया है, कितना भी बुराई कर ले लोग, कितना भी बुराई कर ले सोशल मीडिया पे, लेकिन जो आम जनता है उन्हें फिल्म पसंद आई तो आप उन्हें नहीं रोक सकते हो, ठीक है, ये साबित होता है, ठीक है। और ये हर एक फिल्म पर लागू होता है। और इसलिए जो मुझे कई लोग कहते हैं यार तो सूर्य तो पागल हो गया, तो फिर जो भी समझ लीजिए, लेकिन हाँ मैं जो सोच के बोलता हूँ वो बहुत ही मैं फीलिंग्स के साथ बोलता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ। आई थिंक इसी वजह से काफ़ी हद तक मेरे कलेक्शंस जो आजकल कभी कभी सही भी हो जाते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। वीडियो अच्छा लगा तो भैया ये फिल्म जरूर देखिएगा, एडल्ट है इसलिए अगर आपको लगे तो देखना चाहिए तो देखिएगा, अदरवाइज मत देखिए। लेकिन हाँ, फिल्म आपको बहुत अच्छी लगी इतना मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ। जी फिलहाल कितना ही।